हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस आज के प्रोग्राम में। तो आज हम बात करेंगे चैरिटी मतलब दान, उसके बारे में, कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भक्ति में कैसे हम दान करते हैं। चैरिटी का मतलब डोनेशन नहीं है, डोनेशन अलग है, दान अलग है। तो इसके इसमें हम चर्चा करेंगे। अब उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो भगवान ने हमको भगवद्गीता में सिखा है, उन्होंने कहा है, वो अध्याय 9 में है और श्लोक नंबर है 27, 9.27। वो क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान, उसमें बोलते हैं यत् यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मद् अर्पणम्। बोलते आप जो भी कीजिए, जो भी खाइए, जो भी दीजिए या दान कीजिए और जो भी तपस्या करते हैं, वो अर्जुन, वो मेरे लिए करना, मेरे को देना। वो जो भोक्ता रहा, भोगेश्वर कृष्ण भगवान ही है, ही इज द फाइनल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द ऑस्टेरिटीज, ऑल द पेनेंसेस व्हाट वी डू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो उन्होंने साफ कर कह दिया है कि आप जो भी कर रहे हैं मेरे लिए करना। इसका मतलब ये हो गया सच्चा चैरिटी दान। ठीक है, तो इसको लेते हुए हम लोग आज शुरू करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे दान किस कितने तरह के दान होते हैं, कैसे दान किया जाता है, कैसे दान करना चाहिए, और दान के लिए कौन मशहूर माने जाते थे, उन्होंने क्या क्या किया, और दान में क्या अंतर था, क्या फर्क था, वह देखेंगे आज। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्निधं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामघ्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग ने आज 9:27 से देखा कि भगवान कृष्णा बोलते हैं कि जो भी करना है मेरे लिए कीजिए, डू इट फॉर मी। वो क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं हम लोग को। okay? जो भी हो, दान तो बहुत तरीके होता है। लक्ष्मी का दान होता है, अन्नदान होता है, कन्यादान होता है, बहुत कुछ होता है। तो तरह तरीके से दान होता है। तो अभी हम लोग जब इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमको ये तीन प्रकृति के जो मोड्स हैं, मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, तीन तरीके के होते हैं, वो है रजगुण तमगुण, ये गुण बोलते हैं उनको। प्रकृति के गुण में हम झपट जाते हैं, फंस जाते हैं। तो हमारा जो व्यवहार है वो इस तीन गुणों के ऊपर आधारित है। ये तीन गुण हमारे ऊपर काम कर रहा है। जब तक हम भक्ति में नहीं है, बाहर है, तो ये गुण का प्रभाव और ज़्यादा होता है हमारे ऊपर। और जैसे हम भक्ति में आगे आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रोग्रेस होता है,
तो इन गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर कम होते जाता है। हम जितने जितने ज्यादा शरण लेंगे भगवान के, हमारे गुरु गुरु के, तो ये इनका प्रभाव कम होते जाता है, ये तीन गुणों का। तो जब तक हम लोग ये तीन गुणों के प्रभाव में है, हमारा जो भी कार्य है, चाहे वो खाने का हो, जो भी हो, जो भी कार्य करते हैं, वो तीन गुणों में भटकता है, भटकते रहते हैं बीच बीच में। तो हमारा दान भी इसी तरह होता है, हमारा दान भी ये तीन गुणों से जुड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे ये तीन गुणों से और किस तरीके का दान होता है, कैसे होता है, ये तीनों देखेंगे आज। ठीक है, और फिर बाद में कलयुग में दान कैसे होता है, उसकी सोचने की शंका कैसी है, वो हम थोड़ा देखेंगे। और दान देने से बेनिफिट क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या लाभ है, वो भी देखेंगे। वो भी एक श्लोक है उसमें, और एक पर्पट में अच्छे तरीके से प्रभुपाद जी ने हमको समझाया है। वो ऑफकोर्स भक्ति, जो भक्ति का मार्ग लेते हैं उनके लिए इतना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी सबको लगता है कि मैंने दान किया तो कुछ न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो मिलना चाहिए ना, तो उसके हिसाब से क्या होता देखेंगे, फिर संतुष्ट तो रहेंगे कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, तो दान बोलने से सब टेंशन में जाते हैं, क्योंकि कभी तो तीन श्लोक है भगवद गीता में, चैप्टर 17 में है वो, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे आज, जो के दान के गुण के बारे में बात करता है। हाँ, 17:20, 17:21, 17:22, चैप्टर 17:20, 21:22, तो उसके बारे में देखेंगे। तो उसमें क्या 20 वाला श्लोक का क्या बोलते हैं, दातव्यम इति यद् दानम दीयते अनु अनुपकारिने देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो ये सात्विकम, ये सातवें गुण में जो है उसके ऊपर है। तो क्या बोलते हैं, जान दान जो अपने कर्तव्य से देता है, तो इसमें चार पांच चीज बताए। एक तो ड्यूटी, दान देना कर्तव्य है, ड्यूटी एक है, वो है कर्तव्य। दूसरा है विदाउट एक्सपेक्टेशन, बिना इच्छा के कि कुछ हमें कुछ बदले में मिलना चाहिए। वो फिर सही समय पर, प्रॉपर टाइम, सही समय पर, सही जगह पर, प्रॉपर प्लेस। और पांचवा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्थी पर्सन, मतलब जो दान के अधीन है, मतलब जिनको हम दान दे सकते हैं। किसी को भी दान देने से उसका फायदा नहीं होता है, जो सही आदमी है। और ज्यादा करके आप देखेंगे जो भी हमारे शास्त्र हैं, वो ब्राह्मण या वैष्णवों को दान देने की ज्यादा करके हम लोग को सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं कि आप ब्राह्मण को और वैष्णव को दान देने से आपका भी भला होगा और हमारे जो समाज का भी भला होगा और भगवान भी प्रसन्न होते हैं इनसे। ठीक है, तो ये श्लोक में क्या बोला है, गिवन आउट ऑफ ड्यूटी। तो ड्यूटी किसका होता है, बेसिकली वैश्यास और क्षत्रियास, इनका ड्यूटी होता है कि ये दान करें, इनका मेन यही रोल है कि वो ब्राह्मणों का रक्षा करें, गाय की रक्षा करें। तो उनको दान देने का बेसिकली, अब राजा जो क्षत्रिय है, वो राजा तो दानवीर होते हैं। हम कोई कोई राजा के, दो तीन राजा के बारे में सलाह में हम लोग उदाहरण में हम चर्चा करेंगे बाद में, कि उन्होंने दान क्यों किया, कैसे किया और उनका नतीजा क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, और दूसरा कि कोई भी दान देते हैं तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशन, हमेशा हमको कुछ क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन को अपेक्षा होती है कि कुछ हमें बदले में मिले, अपेक्षा, उम्मीद, अपेक्षा बोलते हैं। तो ये जो अपेक्षा है वो नहीं होना चाहिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। तो जो भी विदाउट एक्सपेक्टेशन होता है, एज अ ड्यूटी करते हैं, हमारा कर्तव्य समझ के करते हैं, सही जगह पर, सही जगह मतलब क्या हुआ, तीर्थ यात्रा में, मंदिर में, ऐसी जगह पे, वो हो गया। और प्रॉपर टाइम, टाइम और प्लेस, टाइम मतलब हो गया कहीं सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ये तो
मास के अंत में ये सब दिया गया है परपट में, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि 17-20 में। तो इस टाइम में करने से उसका प्रभाव अधिक होता है और जो दान देता है उसको भी संतुष्टि ज्यादा होती है और जो दान लेता है वो भी संतुष्ट होता है और भगवान भी संतुष्ट होते हैं। ये बोलते हैं दान किया चैरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस, हाँ सात्व गुण में आपने दान किया। अभी दूसरा हम देखेंगे रजगुण में दान। रजगुण में दान यत्तुपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतं राजसम्। तो ये रजगुण में माना जाता है। हाँ, किसको रजगुण में माना जाता है दान? जब हम अपेक्षा रखते हैं कि मैंने अभी इतना दान दिया तो मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में, तो जो भी दान हम करते हैं जिसके हम अपेक्षा रखते हैं, वी हैव अ एक्सपेक्टेशन कि इसके इसमें क्या मिलेगा बदले में, या तो दान कर दिया तो क्या होगा, फ्रूटिव रिजल्ट्स। हमने दान किया और भूल गए नहीं होता है, दान किया उसके पीछे लगते सोचते रहते हैं मैंने इतना किया मैंने उतना किया क्या होगा क्या होगा, कैलकुलेशन चलता है माइंड में वो और जो भी है कि संतुष्ट होकर हम दान नहीं देते हैं, रो रो कर मुंह फुला कर, तो वो सब रजगुण। किसी ने बोल दिया दान करो, अरे बेटा दान करो, माता जी पिताजी ने बोल दिया या गुरुदेव ने बोल दिया कि थोड़ा कुछ करो भाई, तो अपने मन से नहीं किया। हाँ, तो एकदम थोड़ा नॉट वेरी विद ओपन माइंड संतुष्ट, उसे खुद से नहीं किया, किसी ने आदेश देकर अपने जबरदस्ती करना पड़ा, ग्रजिंगली किया। तो ये जो दान होता है वो होता है रजगुण में। ओके, तो हाँ, तो ऐसे जो दान है वो हमारे वेद के संस्कार में उचित नहीं है, मतलब ये इन्होंने हम लोगों को सलाह नहीं दी है, ये रिकमेंडेशन नहीं है कि ऐसे गुण में आप दान दीजिए करके, ये वेद में नहीं है। बाकी बाकी सारे और सारे हैं दान में, हम उसके बारे में बाद में। तीसरा है 7.22, वो क्या बोलते हैं, आदेश काले यद दानम आपर्तव्यश्च दीयते असत्कृतम अवजानातम तत्तामसम उदारतम। तो तामसम उदारतम, हाँ, जो दान करते हैं जो अशुद्ध अशुद्ध जगह है या सात्विक नहीं है और सही समय पर नहीं किया, या तो वो जो 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 व्यक्ति को हम दान देते हैं वो दान के लायक नहीं है उनको किया, और दान देते समय हमने मर्यादा का पालन नहीं किया, सही ध्यान नहीं देकर किया, ये सब दान जो देते हैं उसको हम तामसिक गुण में कहते हैं, तामसिक गुण। तो तामसिक गुण में तो बिल्कुल ही मना है कि तामसिक गुण में हमको चैरिटी नहीं करना चाहिए, मतलब वो मूड में चैरिटी बिल्कुल नहीं, उनका इफेक्ट तो बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो जो भी है नशा के लिए दान करते हैं या द्यूत के लिए दान करते हैं वो बिल्कुल ही यहाँ पे इट्स नॉट रिकमेंडेड, मतलब शास्त्र नहीं कहता कि ये कीजिए करके। तो ये सब दान जो करते हैं वो माना जाता है कि ये तमोगुण में है। तो ये जो दान है उसका कुछ फायदा तो नहीं है, लेकिन इससे पाप जरूर लगता है, पाप बढ़ता है, और इससे क्या होता है जो पापी लोग हैं उनको ज्यादा उत्साह मिलता है और वो ज्यादा करते हैं ये सब, तो ये दान करने से बहुत ही मना है। ठीक है, उसी समय पर उसी प्रकार हम जब दान देते हैं तो अच्छे से हमारा व्यवहार भी ठीक होना चाहिए, मतलब मर्यादा पूर्वक है और सही ध्यान देकर बात करके सही से ये काम होना चाहिए। हाँ, नहीं तो वो अंधकार में होता है ध्यान, जो भी हम करते हैं वो अंधकार में होता है, उसको मोड ऑफ इग्नोरेंस या तमोगुण कहते हैं। तो ये तीन तरीके के हमारा चैरिटी ध्यान दान हो गया। ठीक है, अभी एक भागवतम में कहानी है, मतलब कहानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है, मैं आपको बताता हूँ क्या है करके। एक वो है 10.3.11,
हाँ, 10th 11th में क्या होता है, कृष्ण भगवान का जन्म होता है। कृष्ण भगवान के जन्म से काफी मतलब खुशहाली हो रही है वहां पे, सब जगह पे। तो उनके जो पिताजी हैं वसुदेव, वो तो कैदी हैं, इसमें कैद हुए हैं। वो कंस ने उनको कैद किया है। तो वो तो वैश्य थे, तो वैश्य में काफी, जब घर पे जब बच्चे का जन्म होता है तो काफी अच्छे से वो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, और उसमें बहुत दान किया जाता है उस समय पर। लेकिन ये जो अपने जो वसुदेव थे, कृष्ण भगवान के पिताजी, वो तो कैद थे। जरासंध ने उनको, कंस ने उनको कैद किया था। तो वो क्या करते हैं, ये देखिए, ये श्लोक में बहुत अच्छा दिया है। हा? सविस्मयोत्फुल्ल विलोचन हरिम, ये है 10th 3 11 10वां स्कंद तीसरा अध्याय 11वां श्लोक। ठीक है, 10th 11 सुतम विलोक्या नक द्वंदु बिस्तदा सुत कृष्णावतारो चव संभ्रमो स्पृशन मूरा द्विजीव्यो युत मापुतो गवाम। तो जब वसुदेव ने देखा उनके पुत्र को, वो पुत्र को देखा, एकदम अद्भुत रह गए, वो चकित रह गए। वो तो शंख चक्र गदा चार आर्म्स, 4 आर्म्स से आए थे, तो एकदम देखकर भ्रमित हो गए। उन्होंने इतने खुशियाली में, मतलब वंडरफुल जुबिलेशन में, उन्होंने अपने मन से दान दिया। कितना, 10,000 गाँव, 10,000 गाय उन्होंने किसको दिया। ही डिस्ट्रीब्यूटेड, ही कलेक्टेड 10,000 काउस, डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग द ब्राह्मणा एज ट्रांसेंडेंटल फेस्टिवल। तो दान किया तो भी मन से दान किया। एक्चुअली वो तो हम कर सकते हैं, पॉकेट में हाथ डालने में मुश्किल है, मतलब बहुत कठिनाई हो रही है। कम से कम मन से दान दिए। महाराज ने बोला कि एकदम सिंपल रखी है, अगर कुछ नहीं भी दान करना है तो कम से कम चींटी को शक्कर डालिए, वो भी बड़ा अन्नदान हो जाता है। तो महाराज ने हमको बताया कैसे करना है करके। तो कलयुग में अच्छा सोचने से भी फायदा होता है। उस जमाने में जब सतयुग में था तो अच्छा कर्म करना पड़ता था कुछ पाने के लिए। कलयुग में कुछ करने की जरूरत नहीं, अच्छा सोचने से उसका कर्म मिलता है। सोचने से सिर्फ, करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट हम अच्छा सोच सकते हैं कि हम आज कुछ दान देंगे या डोनेट करेंगे, ऐसा तो कम से कम कर सकते हैं। तो ये है हमारा इसके बारे में। तो छोटा सा मैं कहानी सुनाऊंगा अभी, एक ब्राह्मण का। वो ब्राह्मण के घर में एक की पुत्री थी, जो कि उनका विवाह करने की आयु थी, और वो ब्राह्मण और पुत्री एक अकेले गांव में घर में रहते थे। और ब्राह्मण के पास तो बिल्कुल ही पैसा या कुछ भी लक्ष्मी नहीं थे घर पे। तो एकदम बुरी तरह के सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, कैसे मेरी पुत्री का विवाह करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बहुत सोच में उलझे हुए थे। तो उनको काफी लोग मिलने आते थे, उनके सलाह सलाह के लिए, एडवाइस के लिए काफी लोग आते थे। उन्होंने बोला, आप राजा भोज के पास जाइए और उनको मिलकर आइए, और ऐसे जो आपका समस्या है उसके लिए वो काफी मदद करते हैं, दान देते हैं, ब्राह्मणों का वो बहुत आदर करते हैं। तो ब्राह्मण बोले कि ठीक है, चलो मैं सोचता हूँ। वो गांव काफी दूर है, तो बोले कि हाँ चलो मैं चलता हूँ, आपने जो सलाह दी उसके हिसाब से मैं राजा को मिल के आता हूँ। तो उनकी पुत्री ने कुछ खाने का प्रबंध किया, वो एक छोटा सा इसमें बांध कर उनको दिया, और वो लेकर, उनका भी काफी उम्र हो चुका था, वो चल कर गए। चल के गए, बहुत दिन चलना पड़ा उनको। चल कर गए तो एक बार एक पेड़ के जंगल में, एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले कि अभी चलो थोड़ा भोजन किया जाए तो ठीक रहेगा। तो बैठे थे तो, और वो जैसे भोजन करने वाले थे तो वहां से कुत्ता आ गया, एक कुत्ता डॉग, वो वहां से आया। और कुत्ता बहुत ही बुरा हाल में था, एकदम भूखा था, और कुत्ता आके सामने खड़ा हो गया और ऐसे इशारा कर रहा था कि उसको खाना चाहिए, नहीं तो वहीं पर मर जाएगा। तो ब्राह्मण ने देखा कि अभी ये तो बहुत समस्या है, अभी क्या करें। तो लेकिन
ब्राह्मण का दिल तो एकदम शुद्ध होता है, मतलब सत्वगुण से उनका परिपूर्ण गुण होता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो जो भी खाना लेकर आए थे उन्होंने वो कुत्ते को खिला दिया। तो कुत्ता खाया और बहुत ही संतुष्ट हुआ, और वो सोचे भी मैं क्या करूं। तो उन्होंने रास्ते में फिर से चलना शुरू किया और थोड़ा सा पानी पीकर चले गए। फिर बहुत चल के चल के चल के फिर वो बाद में राजा भोज के इसमें महल में पहुंच गए बाहर। तो उनको रोका गया, फिर उन्होंने बोला कि क्या 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 चाहिए आपको। तो बोला मेरी ये समस्या है, मैं सुना हूँ कि राजा बहुत ही दयालु है और काफ़ी मदद करते हैं दान मीन देकर, तो मैं उनको मिलना चाहता हूँ। तो फिर वो जो ये गेट कीपर थे वहाँ पे दारू का, उन्होंने उन्होंने बोला कि ठीक है उनका अंदर जाने दो। फिर वो चले गए अंदर। फिर बाद में उन्होंने बाहर रुके वो, फिर रुकने के बाद थोड़ी देर के बाद राजा भोज से उनकी मीटिंग हुई, मुलाकात हो गई। तो उन्होंने उनकी समस्या बताया कि ऐसे से है, मेरी एक पुत्री है जिसका ये उनका जो विवाह करना है वो विवाह के आयु की हो चुकी है, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे ये भिक्षा मांग रहा हूँ कि आप मुझे मदद करें। तो राजा बहुत देखते हैं उनको और बोलते हैं कि आपने कभी दान दिया है कुछ, और कुछ दान दिया है तो उसका जो फल है वो मुझे दे दीजिए, तो मैं आपको दान दूंगा। तो तभी वहाँ पे उन्होंने अपने कुल गुरु उनको बुलाया और उनके सामने कहा कि अगर इन्होंने कुछ दान दिया होगा अपने जीवन में, उसका जो फल है मुझे अगर वो दे देंगे तो मैं इनको इनकी जो भी समस्या है उसका मैं हल निकाल सकता हूँ। तो कुलगुरु ने पूछा ब्राह्मण को कि आप कुछ ऐसा किए हैं जिससे कि आप उसका जो भी फल है आप राजा को दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, मैं अभी आ रहा था राजा को मिलने के लिए, तो रास्ते में मेरे पास थोड़ा ही भोजन था और मैं बहुत ही भूखा था, और जब खाने वाला ही था तो एक कुत्ता आ गया। तो कुत्ते को देखकर मुझे लगा कि मुझसे ज़्यादा एक कुत्ते को आवश्यक है ये खाने की या भोजन की। तो मैंने कुत्ते को पूरा भोजन दे दिया और वो बच गया। तो मैंने ये काम किया, तो ये चाहिए तो इसका जो फल है मैं आपके राजा को अर्पण करता हूँ। तो जो कुलगुरु थे उन्होंने देखा उनको, राजा को भी देखा, बोले कि हाँ इनकी हमको आप इनको मदद कीजिए, जो भी इनकी समस्या दूर कीजिए। तो राजा ने पूछा क्यों, मैं क्यों मदद करूँ, ये एक इसने कैसा बड़ा दान किया है। वो बोले कि देखिए, दान करने का जो सिचुएशन है, हम लोग जो जिस स्थिति में है, एक तो हम करोड़पति रहेंगे, हम 100 रुपया दान करते हैं तो वो बड़ा दान कुछ नहीं है, मतलब दान है लेकिन बड़ी मात्रा में नहीं है। तो महाराज ने हमेशा कहा है कि कृष्णा देखता है आप कितना दे रहे हैं वो नहीं देखता है, आप कितना छुपा के रख रहे हैं वो देखता है, कृष्ण भगवान हमेशा वही देखता है। ठीक है, ये जो ब्राह्मण थे उनकी खुद की अवस्था ऐसी थी कि इतने भूखे थे, उनकी जान की परवाह किए बिना उन्होंने दूसरे प्राणी की मदद की। ये दान बहुत ही उत्तम तरीके का दान है, उत्तम मतलब इज इन द वेरी हाई स्टेट ऑफ गुडनेस। तो इसके कारण हम आपको इनको मदद करना पड़ेगा। तो दान देने का ये मतलब नहीं है कि हम कैसे कर रहे हैं आत्मनिवेदन, वो तो लास्ट है। दान हम एक्चुअली दान के देने के लिए लायक ही नहीं है। कैसे लायक नहीं है, क्योंकि हमको एक शरीर जो मिला है वो भगवान ने दान दिया है हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो याद रखना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी कर रहे हैं जीवित हैं वो इस शरीर के कारण, हमारा जो भी कार्य है वो शरीर के कारण हो रहा है। और शरीर हमको किसने दिया है, दैव नेत्र ने हमको ये शरीर मिला है। तो कृष्ण भगवान ने ये शरीर दिया है हमको, वो पहले हमको सोचना चाहिए, उन्होंने हमको ये दान दिया है, उसके बाद हम भगवान को दान देने के बाद में सोचेंगे, फिर भगवान के दान की जरूरत है ही नहीं। तो महाराज ने बोला है कि हमारा काम है सिर्फ उनका नाम लेना, उनका काम है जो भी करना वो करेंगे, वो मंदिर बनाना मंदिर बनाएंगे, ये जो भी चलाना वो चलाएंगे। तो हमारे एक्चुअली हमारे कुछ कैपेबिलिटी नहीं है कि हम कुछ दान करें, हम ये सोच रहे कि हम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली भगवान हमसे करवा रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये जो जीव जंतु मेरे लिए ये करें, या उनके चुने गए हैं हम लोग, क्या बोलते हैं गिने चुने लोग बोलते हैं ना, गिने चुने लोग हैं, वो उनसे चाहते हैं कि वो
कुछ करें, वो ही करवाते हैं हमसे अलग बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम करें, तो उसका जो फल है वो भी हमको देते हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है। अभी फल के बारे में बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, एक सेकेंड कैंटो, दूसरा स्कंद, तीसरा चैप्टर अध्याय और 17वां श्लोक में, उसके पर्पट में एक बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा ये लिखा है। हाँ, वो हम पढ़ेंगे। ये क्या है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरा ने स्मृति शास्त्र से निकाला है कि जो भी एकदम मेटेरियलिस्टिक है, मेटेरियलिस्टिक जो हर चीज के लिए कुछ अपेक्षा रखते हैं, तो उनके लिए कैसा होता है ये दान देने से। हाँ, वो बोलते हैं जो भी पैसा या लक्ष्मी आपने दान दिया सही व्यक्ति को, वो आप समझ ले कि वो आपका गारंटीड बैंक बैलेंस है अगले जन्म में। वो एक बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेप, जो भी आपने लक्ष्मी एक सुटेबल पर्सन मतलब सही व्यक्ति को आपने दान दिया, तो आपका बैंक बैलेंस अगले जन्म में गारंटीड है। वो फर्स्ट हुआ। हाँ, तो वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा जो दान है वो एक ब्राह्मण को देना चाहिए। आप कहीं भी देखिए, ज्यादा करके जो हमारी वर्णाश्रम धर्म है तो उसमें ब्राह्मणों का और वैष्णवों का काम है कि कैसे हम समाज की भलाई के लिए काम करें, कैसे हम उनके कृष्ण भक्ति और ले चलें, ये भलाई का काम है। बाकी जो काम है, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल करना, वो भी अच्छा काम है, लेकिन इसके लेवल पर नहीं है, कृष्ण भक्ति के लेवल पर नहीं है, वो रजगुण में आता है, वो सेकेंड लेवल पर आता है, वो भी अच्छा, ये पायस है लेकिन इसके बराबर के नहीं है। तो ये काम गोर के मोस्टली ब्राह्मण और वैष्णवस का काम है कि हम कैसे करें, ठीक है। दूसरा है, आपने पैसा दान किया नॉन ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण नहीं है, जिसका ब्राह्मण क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो जो पैसा आपने दान किया वो अगले जन्म में आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा। आपने 10 रुपया दिया, आपको 10 रुपया नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। ये बोलते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, ये 2.3.17 के पर्पट में प्रभुपद ने लिखा है। अच्छा, अभी आपने दान दिया, किसी को दिया, आधा ब्राह्मण, जो आधा पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, आधा ब्राह्मण, हाफ एजुकेटेड ब्राह्मण, आपने उनको दान दिया, तो क्या होता है, आपका जो अगले जीवन है उसमें मनी डबल होता है, डबल, तो शेयर मार्केट से भी बढ़िया है रिटर्न्स। ओके, ये तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया पूरा कहानी। तो बोला हाफ ब्राह्मण को आपने दिया तो डबल हो जाता है अगले लाइफ में आपका बैंक बैलेंस। उसके बाद क्या हुआ, आपने अगर फुल्ली क्वालिफाइड ब्राह्मण जो पूरे पढ़े लिखे ब्राह्मण है उनको आपने दिया ऐसा दान, तो वो 100 या 1000 गुना मल्टीप्लाई हो गया था अगले जन्म में। ओके, और अल्टीमेट मतलब सबसे एंड में वो है कि वेद पारग मतलब वेद का जो निपुण है एकदम वेद में और जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो उनको करने से क्या होता है, हमको पैसा तो नहीं मिलता है लेकिन हमको ये प्राप्ति होती है, भक्ति प्राप्ति होती है, ठीक है। सो वो क्या बोलते हैं, गारंटी और रिटर्न मनी इन चैरिटी रिगार्डिंग द प्रोपोजिशन मूवमेंट इज पास्ट। हम जो पैसा देते हैं वो तो पैसे के लेवल पे हो गया, मटेरियल लेवल पे हो गया, लेकिन हम दान में थोड़ा भी कुछ दिए प्योर डिवोटी को और उनके साथ कुछ टाइम बिताया, डिवोटी को प्योर डिवोटी शुद्ध भक्त के साथ थोड़ा टाइम बिताया, तो मध्धाम अगत्व पुनः जन्म न विद्यते, तो वो भगवान के साथ हमेशा के लिए उनके धाम में उनके लिए जगह बनाई जाती है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैरिटी। आपने देखा होगा 3 गुण में कैसे चैरिटी किया जाता है, दान किया जाता है, और किसको कब देना चाहिए, क्या देने से क्या होता है, ये भी देखा आपने, ठीक है। अभी ब्राह्मणा की कहानी देखिए, तो अभी हम लोग एक दो व्यक्ति का उदाहरण देंगे जो कि बहुत ही मतलब उनका नाम सुन के सबको पता है कौन है। एक तो है दानवीर कर्ण,
करना भी दान देने में बहुत निपुण था, करना एक है। और दूसरा व्यक्ति है, उनका नाम है दान। दान बोलेगा तो आपको उनका नाम ठीक से याद आता, वो है बलि महाराज। तो इनके दोनों के बारे में आप हम थोड़ा उनकी उनसे सीखेंगे ये दान किस तरीके से किया जाता है और उनका परिणाम क्या होता है और कैसे करना चाहिए। ठीक है, करना तो करना तो कुंती माता जी से जन्म हुआ था, किसका, सूर्य भगवान उनके पिता थे। ठीक है, और जब वो पैदा हुए थे तो कवचल कुंडल के साथ पैदा हुए थे। ठीक है, तो फिर बाद में क्या हुआ, उनका नाम था वसुसेना, करने के पहले उनका नाम वसुसेना था। और फिर बाद में एक बार उनको जन्म होते ही कुंती माता ने उनको गंगा में एक छोटे से टोकरी में रख के छोड़ दिया, क्योंकि उनके विवाह होने से पहले कर्ण का ये जन्म हुआ था। फिर उनको उनको अधिरथा करके, अधिरथा और राधा, उनकी पत्नी राधा ने उनको पाला पोसा बड़ा किया। तो कर्ण करना जो था वो बहुत ही दयालु था। हरे कृष्णा, किसको म्यूट करना है, म्यूट करना है, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी अभी वन मिनट प्रभु, आई टू गो टू वन सेकंड, वन मिनट, कौन है, अभी ठीक है प्रभु जी, अभी ओके ओके। हाँ तो वो उनको अधिरथा ने और उनकी पत्नी राधा ने उठाया और उनको पाला पोसा बड़ा किया। और कर्ण बहुत ही दयालु थे और खास करके ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही दयालु थे और वो काफी दान देते ब्राह्मणों को, कभी इनकार नहीं किया ब्राह्मण को किसी दान देने से। हाँ, तो और एक बार जब महाभारत की जो ये जंग है वो शुरू होने से पहले इंद्र भगवान गए थे उधर कर्ण के पास, और उनको पता था कि जब तक ये कवच कुंडल है जो सूर्य भगवान के पुत्र होते नाते उनके शरीर में, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी जो आसन है या वेपन है उनको कुछ नहीं कर सकती है। तो वो ब्राह्मण के रूप में जाके भिक्षा मांगते हैं कर्ण से, और कर्ण तो कभी किसी चिंता नहीं करता है, तो वो जाके मांगते हैं। मांगने पर कर्ण राजी हो जाते हैं और बोलते हैं आपको क्या चाहिए। तो इंद्र भगवान बोलते हैं कि मुझे आपका कवच और कुंडल दीजिए। तो बिना हिचकिचाए वो अपने शरीर से कवच और कुंडल निकाल के इंद्र भगवान को दे देते हैं। तभी ये मुमकिन होता है कि कर्ण का को मारने की जो शंकाएं बढ़ जाती है, मतलब उनको मार सकते हैं इसमें। तो लेकिन एक बात है, कृष्ण भगवान कर्ण से मिलते हैं बाद में, और उनकी जो आपने देखा होगा जो भी महाभारत में घटना घटी है इनके साथ, पांडवों के साथ और द्रौपदी माता जी के साथ, तो जो भी वस्त्रहरण हुआ था दुशासन ने किया था वो भी कर्ण के कहने पर हुआ था, क्योंकि कर्ण को बहुत क्रोधित थे वो पांडवों के ऊपर, क्योंकि बचपन से जब भी कुछ भी हुआ वो द्रोणाचार्य के पास वो सीखने गए तभी भी, और जब द्रौपदी का जो ये हुआ था स्वयंवर हुआ था तभी उनको नकारा गया, बोला कि आप भाग नहीं ले सकते क्योंकि आप क्षत्रिय नहीं है करके उनको नकारा गया। तो वो मन में उनको बहुत क्रोध रहा था, वो क्रोध के कारण वो काफी कुछ पांडवों के खिलाफ करते रहे काम, और दुशासन को भी उन्होंने भड़काया वस्त्रहरण के लिए द्रौपदी का, तो उनका ये काम ठीक नहीं था। और काफी होने पर भी कृष्ण भगवान को सब कुछ पता था, और फिर भी कृष्ण भगवान ने कर्ण से मिला, विश्वरूप दर्शन दिखाया जब वो ये बनकर शांति दूत बनकर आए थे राज्य में, तो दुर्योधन ने उनको पकड़ने के लिए कहा, गिरफ्तार कर दो इसको, ये कौन है ग्वाला, इसको पकड़ो। तो कृष्ण भगवान ने उनका विश्वरूप दर्शन दिखाया तो चौक के सब लोग नहीं देख पाए, और बाद में जब होकर चले गए तो वो कर्ण से मिले जाने से पहले और उनको सलाह दी, उनको बताया, एडवाइस दिया कि आप अधर्म का साथ दे रहे हैं, ये सही नहीं आपके लिए, और उनको बता दिया कि आप पांडवों के बड़े भाई हैं। सब कुछ बताने पर भी
वो भगवान की बात नहीं माने, वो दुर्योधन को मित्र माना और अधर्म के साइड उन्होंने साइड दिया, अधर्म का साइड दिया। तो ये सबसे बड़ा गलती है। आप कुछ भी दान करें लेकिन भगवान ने आपको जो आदेश दिया है उसको आपको मानना ही है, करने में सबसे बड़ा गलती है क्या। और उन्हें फिर भी अधर्म के साथ उन्होंने अपना साथ दिया और अंतिम में उनकी जो है पराजय हो गई, मृत्यु हो गई वो महाभारत के वॉर में। तो ये हुआ करने के बारे में। अब दूसरा देखेंगे बलि महाराज का स्टोरी। हाँ, तो बलि महाराज का क्या देखते हैं, बलि महाराज का जो कहानी है वो काफी प्रसिद्ध है और कहीं भी दान चैरिटी का नाम आता है तो बलि महाराज का नाम सबसे, और बलि महाराज एक महाजन में गिना जाते हैं। तो उनकी जो जो कथा है वो आठवें स्कंद में पूरी तरीके से बताया गया, चार पांच अध्याय है उसके बारे में। तो मैं शॉर्ट में बताऊँ, हमारे पास काफी वक्त नहीं है तो टाइम काफी है, तो मैं 5-10 मिनट में ये कवर करता हूँ। तो बलि महाराज ने पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स, हाँ, और सब धरती जो भी है, हाँ, सबको खत्म कर दिया, मतलब अपने कब्जे में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, विश्वजीत यज्ञ किया, विश्वजीत यज्ञ किया और सब साथियों को इकट्ठा कर स्वर्ग लोक पे हमला कर दिया और करके सब जीत लिया। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट्स, सबके ऊपर कब्जा इसके बलि महाराज के। और वो राजा थे तो राजा का क्षत्रिय राजा थे तो उसके हिसाब से जो भी कर रहे थे सही करते, उनको ये अलाउड है, शास्त्र के प्रकार अलाउड है कि राजा जो है वो वॉर कर सकते हैं और जो भी कब्जा करेंगे वो उनका हो जाता है, क्षत्रिय इसमें अलाउड है, क्षत्रिय जो धर्म है उसमें अलाउड है। तो कृष्ण भगवान जानते थे कि जो भी इन्होंने किया है वो सही किया है, तो उन्होंने उनको उनसे लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन बलि महाराज बहुत दान करते थे, थोड़ा हल्का सा गर्व भी हो गया था उनको। तो एक बार उनको एक ये सिखाने के लिए उनका जो लीला है, कृष्ण भगवान और विष्णु के रूप में वामन अवतार के रूप में गए एक बार। हाँ, तो और बलि महाराज के खास क्या था कि वो जो भी दान करते थे ज्यादातर ब्राह्मणों के प्रतीक ही था ज्यादा करके, और जो शास्त्र में लिखा है उसके हिसाब से वो सही ढंग से उनका फॉलो करते थे। तो एक बार क्या हुआ, जो भगवान थे वो एक भिक्षु ब्राह्मण बन के गए, छोटा ड्वार्फ बनकर गए और जाकर उन्होंने बलि महाराज से मुलाकात की और मिले उनसे और भिक्षा की मांग की। और उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा भिक्षा दे दें। तो बलि महाराज को लगे मैं तो इतना दान करता हूँ, ये क्या मांग लेंगे हमसे ब्राह्मण। उन्होंने बोला ठीक है, आपको जो चाहिए मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 नक्श कदम, दैट मीन 3 फुटस्टेप्स, 3 नक्श कदम है उतना जमीन चाहिए। तो बलि महाराज, ये तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, 3 नक्श कदम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपने मांगा, समझ लिया, हो गया। तो फिर बाद में बलि महाराज आप ले लीजिए। तो बाद में देखे कि वो अपने रूप में बड़ा होते गए वामन भगवान। अच्छा, उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि उनके जो गुरु महाराज थे बलि महाराज के, शुक्राचार्य ने उनको बहुत समझाया बलि महाराज को, ये विष्णु है, ये जो ब्राह्मण रूप में भिक्षु आया है वो विष्णु है, बोलते कदाचित मत देना उनको, कुछ भी दान मत देना। उन्होंने बहुत ही उनको समझाया, वार्न किया और बहुत सारे तंत्र मंत्र सिखाए कि कैसे इनको दान न किया जाए। लेकिन जब बलि महाराज को ये समझ में आ गया कि ये विष्णु है, ये भगवान विष्णु है, तो उनको दान देने की इच्छा और बढ़ गई, बोलते अभी तो मैं रोक ही नहीं पाऊंगा। तो इस वो करके उन्होंने
हाँ कर दी कि हाँ चलो आपको मैं दान कर दूंगा। फिर क्या हुआ, वामन देव तो बड़े होते के रूप में, फिर उन्होंने अपना एक पैर दो पैर से पूरा ब्रह्मांड कवर कर लिया, पूरा उसको कवर कर लिया, सब कुछ कवर हो गया, कुछ बाकी नहीं था। बोलते मैं तो तीन मांगा था, अभी मैं तीसरा पैर का रखूं। तो बलि महाराज ने हाथ जोड़कर शरणागति मांग ली, बोला कि आपका तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए, लास्ट स्टेप है, इसके ऊपर तो कोई दान है ही नहीं। खुद को दान कर दिया, खुद की मृत्यु, खुद को दान कर दिया भगवान से। भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए और फिर बाद में वो मान गए, बलि महाराज मान गए कि ये तीसरा जो नक्षत्र ये है वो मेरे सर पर रख लीजिए आप, जो आपका नक्श कदम है। तो इसके बाद क्या हुआ कि इससे क्या पता चलता है कि बलि महाराज एक दानी थे और कर्ण भी दानी थे, लेकिन कर्ण को भगवान ने खुद समझाया कि आप अधर्म का साइड ले रहे हैं, उस साइड मत जाइए, आप इस साइड आ जाइए। कर्ण नहीं माने, उसका परिणाम क्या हुआ आपको आप जानते हैं खुद, कर्ण की मृत्यु हो गई और मृत्यु भी बहुत मुश्किल से है, वो मरने वाले नहीं थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको अर्जुन की सहायता की कि इसको मारने के लिए इंद्र को भेजा, सब कृष्ण भगवान का प्लान था। और दूसरी जगह पे बलि महाराज है, उनके उनको गुरु ने समझाया कि ये मत करो, इसको दान मत दो, ये विष्णु है इसको दान मत दो, लेकिन वो अपने गुरु महाराज का जो आदेश है उनका पालन किए बिना भगवान को जो इन्होंने जो मतलब ये वाक्य दिया उसका उन्होंने ख्याल रखा और उन्होंने उसको करके दिखाया कि मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैंने जो वाक्य दे दिया कि ब्राह्मण है मैं दान दूंगा वो मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। तो इससे भगवान खुश हो गए। और इससे क्या होता है कि आप कभी भी भगवान के प्रति या भगवान के कार्य जो कृष्ण भगवान के कार्य उसके प्रति आप दान करें जो भी करें इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे फायदा ही फायदा है। क्योंकि हमारे मन में तो कैलकुलेशन चलते हैं, फायदा क्या है नुकसान क्या है यही चलता है। दान जब भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो डोनेशन हो तो पहला तो चलता है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये करेंगे तो क्या होगा वो करेंगे फायदा, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा ट्यून्ड है, ये जो हम लोग यहाँ जा रह रहे हैं ये जो मटेरियल वर्ल्ड है हमारा ट्यून्ड है, इसलिए तो हम लोग इतना सफर कर रहे हैं मिजरी में, हाँ क्योंकि हमारा माइंड इसी में चलता है कि हम कैसे हाँ क्या करेंगे तो इसका क्या होगा उसका क्या मुनाफा होगा, ये मुनाफा में चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन ये सब मुनाफे के ऊपर है। बलि महाराज ने खुद की बलि दे, खुद की बलि बोले कि आप मेरे पैर रख दीजिए अपने सर पे, हाँ चलेगा नो प्रॉब्लम। तो आत्मनिवेदन लास्ट स्टेज है भक्ति का, उन्होंने करके दिखाया क्योंकि वो ये थे, वो उनका लीनेज था, कुल था उनके, तो प्रहलाद महाराज के फैमिली में ही थे वो, तो भक्त के फैमिली में थे तो उनको पता था। तो और जो भगवान जो भी हम देते हैं दान में जो भी है भगवान के प्रति करते हैं उसका जो रिटर्न्स कैसे आता है क्या आता है कितना आता है ये हमको बिल्कुल ही प्रति पता नहीं है कैसे आएगा क्या आएगा। जो अब जब हम रह रहे हैं अच्छी हमारी जो जो अवस्था है व्हाट एवर सिचुएशन वी आर बहुत अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है खाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, और कृष्णा कथा करने के लिए टाइम है, मंगल आरती कर रहे हैं, इतने अच्छे गॉड ब्रदर्स गॉड सिस्टर्स हम लोग भक्त के संग में हैं, तो यही हमने बहुत कुछ दान किया होगा गए जन्म में, इसके लिए हमको भगवान ने ये अवसर दिया है इस जन्म में कि ऐसी क्रिया बनी है ऐसे सिचुएशन बनाए हुए कि हम एकदम अच्छे से रह रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे लोग ठीक है, पढ़ाई ठीक चल रही है, कुछ आमदनी आ रही है, कुछ इश्यू नहीं है, तो कंप्लेन करने के लिए क्या है कुछ भी नहीं है। तो ये सिचुएशन में हम लोग है इसका मतलब हम लोगों ने कुछ बड़ा कुछ अच्छा कार्य किया होगा अगले जन्म में, इसके लिए हमको ऐसे गुरु महाराज मिले हैं। फर्स्ट तो ये है मिलना बहुत मुश्किल है, जितना कोटि कोटि जन्म मिलने के बाद भी नहीं मिलता है। तो ये सब कुछ हमने कुछ दान या कुछ अच्छा कार्य किया है। तो अभी जो जो वृंदावन के वासी हैं नंद महाराज और गोपास वो क्या प्रे करते हैं क्या प्रे करते हैं भगवान से वो देखेंगे और उसके साथ हम ये आज का क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है, ये है दसवां चैप्टर में 10.4 दसवां चैप्टर 47वां अध्याय और 67 श्लोका 66
श्लोका, उसमें क्या बोलते हैं, कर्मवीर ब्राह्मया मानानाम यत्र क्वापीश्वरेच्छया मंगलाचरितेर दाने प्रतिर्ण कृष्ण ईश्वरे। तो वो क्या बोल रहे हैं, हम ये संसार में कहां भी घूम रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, ये सब हो रही है कृष्ण भगवान के विल से, उनके संकल्प से ये सब हो रही है। हाँ, और किस किस इन इन रिएक्शन, किस किसके प्रति, ये जो प्रति है, हाँ, इन इन अकॉर्डिंग रिएक्शन ऑफ टू अवर फ्रूटी वर्क, हमने जो पूर्व कार्य किया उसके प्रति हो रही है, जो भी इच्छा हम जो हमारा जो हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ करें वो करें ये करें, वो सब उसके प्रति हो रही है। और मे आवर, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी अच्छा कार्य है और दान है वो हमें क्या दें, हमें ग्रांट अस लव फॉर लॉर्ड कृष्णा, हम जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उसको हमको क्या मिले, कृष्णा भगवान के प्रति प्रेम मिले, ये वो लोग पूजा कर रहे हैं कृष्ण भगवान, ये भागवतम में दसवें स्कंद में यही है। तो हमारी भी इच्छा यही होनी चाहिए कि हम कुछ भी कर सके दान में, जितना छोटा मोटा काम, अगर लक्ष्मी नहीं हो तो हम कुछ कार्य कर सकते हैं, मंदिर में सेवा कर सकते हैं, जो भी है सब दान ही माना जाता है, जो भी कार्य भगवान के प्रति हो, ये जो हम प्रचारण कर रहे हैं, सब जो भी कार्य कर रहे हैं, वो हमें, हम एक एक चीज मांग सकते भगवान से, एक है आपके प्रति हमारा प्रेम बढ़े, ये अलाउड है, लेकिन ये मल्टीप्लाई होना शेयर मार्केट का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं अपना ये आज का प्रोग्राम समाप्त करता हूँ, और कोई भी अगर शंका हो या कुछ प्रश्न हो तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु आपने एक्सप्लेनेशन किया। मैं खाली प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी सब सुन रहे हैं और दूसरे लोग भी बाद में हम YouTube पे भी डालेंगे। तो दान है, बहुत बार लोग इवन ड्यूटी भी मैं देखता हूँ, जैसे वृंदावन जाते हैं, द्वारका धाम जाते हैं, तो ड्यूटी दान का महत्व जानते भी है, फिर भी मैं देखता हूँ कभी कभी सभी ड्यूटी नहीं, सभी कुछ ड्यूटी भी जो ट्रेडिशनल दान की जो प्रक्रिया है इसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे आप द्वारका में जाएंगे तो तुला दान का महत्व है, वृंदावन में भी अलग अलग जगह पे है और आकर्षित हो जाते हैं और वो करते भी है, क्योंकि भले वो चैंटिंग कर रहे जानते हैं कि भाई सही जगह पे दान देना चाहिए। और मैंने देखा है कि वो दान, पता नहीं हम अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं देखा कि वो तो कुछ जगह पे दान की खाली फॉर्मेलिटी रहती है, लेकिन उसमें आत्मा आत्मीयता तो आत्मा नहीं रहता है। तो फिर हम भक्तों के भी ऐसे चीजों से आकर्षित होना चाहिए कि नहीं चाहिए, अथवा दान खाली कृष्ण भावना का प्रचार और प्रसार किस तरह ले, उससे ही हम ध्यान देना चाहिए, किधर ध्यान देना चाहिए ज्यादा था? ज्यादातर ध्यान, मैं पहले बताया कि तीन तरीके हैं दान के, जो हमारे जो गुण है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो कृष्ण भक्ति के प्रति अगर दान हो तो सत्वगुण में होता है, तो उसके वो करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। आपको हमारा लक्ष्य बहुत साफ होना चाहिए, आपको क्या चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए, क्या चाहिए? क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी दिखता है, कृष्ण भक्ति दिखता नहीं है, लेकिन आता है बाद में, वो कभी आएगा पता नहीं है, भगवान देता है हमको। जैसे कि हम लोग अभी ये जीवन में है, इस जीवन में हम लोग को इतना अच्छा एसोसिएशन मिला है, इतना अच्छा ये मिला, अच्छा नौकरी में सब कुछ मिला है, तो डेफिनेटली हम लोग ने कुछ किया होगा प्रीवियस जन्म में, इसने तो ऐसा नहीं हो सकता है, वो एक है। अभी ये क्या है, काफी लोग काफी चीज बोलते हैं, तो हमारे जो संप्रदाय जो सिखाती है, हमारे जो गुरु महाराज जो सिखाते हैं कैसे करना है, तो उसके प्रति हमको चलना है, और जैसे प्रभुपाद जी ने बताया हमको उसके प्रति चलना है। और कृष्ण भगवान, हमने शुरुआत ही यही की थी, यद करोसि यद असनासि यद जोहोसि तद असि यद, कृष्ण भगवान बोलते जो भी कर रहे मेरे लिए कर,
फर्स्ट वही बोल देते हैं। तो तुलाभार भी किया, वो भी कृष्ण भगवान के प्रति करना है, जो भी किया है कृष्ण भगवान के प्रति करना है, और आपकी जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से कीजिए। और महाराज ने क्लियरली बोला है कि कृष्णा ये देखता है कि आप कितना कितना नहीं, ये नहीं देखता है आप कितना दे रहे हैं, कितना देखता है ये आप छुपा रहे हैं उनसे, उनको सब पता है, तो उसके हिसाब से हमको प्रीवियस नेक्स्ट लाइफ में होता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो ज़्यादा इसके बारे में सोचते नहीं, वो तो सबकी भलाई के लिए चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं महाराज की एक ही अपेक्षा थी कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, तो हमने उनको दान दिया तो उनके लिए तो कुछ नहीं, वो खुश होते हैं, लेकिन वो यही चाहते हैं कि हम कैसे कृष्ण भक्ति और आगे बढ़े। तो हमारा सबका यही लक्ष्य होना चाहिए, जो भी हम करें, दान करें, जो भी करें, उससे हमारी कृष्ण भक्ति आगे बढ़ेगी या नहीं, आप ये खुद सोच कर देखिए और उसके ऊपर डिसाइड कीजिए। और हमारे पास कैपेबिलिटी है, शक्ति है, हम दान कर सकते हैं, तो जरूर करना चाहिए। अगर वहां पे हमने कंजूसी दिखाई, भगवान तो अंदर ही है, उनको पता है कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ छुपा रहा है, सब पता है उनको, उनको पता नहीं, तो उसके हिसाब से भी हमको वो फ्रूटी हो जाता है फिर वो, और सत्वगुण में नहीं रहता है। सत्वगुण में क्या सोचते हैं कि खुशी से करना है दान, रो रो के नहीं करना है, या किसी ने बोला तो नहीं करना है, खुशी से करना है, तो वो क्लियर है। तो आई थिंक प्रभु जी ठीक लगा आपको? नहीं, परफेक्ट परफेक्ट। फिर भी मैं सर्वेश प्रभु, आप सुन रहे हैं कुछ, आप इस पे और कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? सर्वेश प्रभु के पास अनुभव और शास्त्र दोनों का ये है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। मतलब आपने जो कुछ भी बताया वो बहुत ही सुंदर बताया, और प्रभु जी ने जो कमेंट किया वो भी बहुत ही सुंदर है। मैं असल में ड्राइव कर रहा था, अभी मैं वर्क पे जा रहा हूँ, तो रास्ते में जो भी सुन सका। हरे कृष्णा। तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे सरल बात और सबसे उपयुक्त बात यही है कि जो भगवान के प्रति जो कुछ भी हम अपना अपनी भक्ति की इच्छा से यदि दान करते हैं, तो वही मतलब सात्विक वृत्ति में रह करके। मैं विचार कर रहा था अभी, ये थोड़ा सा मास्क लगाने के बाद सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं विचार कर रहा था कि ये जो प्रभु जी ने तुला दान वाला प्रश्न किया, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसलिए कि हम बहुत सारे जगहों पे, धार्मिक जगहों पे जहाँ जाते हैं, तो इस तरह की समस्याएं हमारे सामने निश्चित रूप से आती हैं, और ये हम लोग अपने अनुभव से भी देखते हैं कि उसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है, सदुपयोग कम होता है। लेकिन जब हम दान दे रहे होते हैं तो हमारे चित्त में जो विचार होता है वो इस बात का विचार होता है कि उस समय जो तुला दान की लीला है वो हमारे मन में प्रस्फुटित होती है, उससे आनंदित होकर के हम दान कर रहे हैं, ना कि उस व्यक्ति विशेष को दान कर रहे हैं। तो उस लीला का स्फुरण जो हमारे मन में हुआ, तो हम इतने आह्लादित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हुए कि बस हमने सोचा कि भाई इस भगवान के नाम से यहाँ पर कुछ देना है, तो हमने तो दे दिया। लेकिन देने के बाद हमको उस पर विचार नहीं करना चाहिए वास्तव में। यदि हम विचार करते हैं तभी समस्या है, यदि हम विचार नहीं करते हैं तो हम समस्या से मुक्त हो गए। किसी को भी आपने दान दिया, किसी भी व्यक्ति को, आपको ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि वो सुयोग्य व्यक्ति है कि नहीं, पात्रता और अपात्रता का विचार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पात्र को भी दान देने के बाद विचार नहीं करना चाहिए कि हमने दिया। अगर आप विचार करेंगे देने का, तो जैसा आपने बताया कि फिर आपको अगले जन्म में इंतजार करना पड़ेगा उसको वापस लेने के लिए, तो इसलिए देने के बाद भूल जाइए कि आपने कुछ दिया। चाहे आपने सज्जन को दिया, चाहे दुर्जन को दिया, चाहे किसी भी माध्यम से किसी को भी कुछ भी दिया, ये मान करके चलिए कि आपने पिछले जन्म में उससे लिया था और आपने उसको दे दिया। ये मत सोचिए कि आज आपने उसको दिया, ये तो कभी सोचिए ही मत। यदि आप सोचेंगे कि आज आपने उसको कुछ दिया है, तो आप जो है उस फल के बंधन में बंध गए, और भक्तों का ये उद्देश्य है कि फल में ना बंधे। नहीं तो हमने बड़े बड़े भक्तों के उदाहरण देखे हुए हैं, भगवान ने स्वयं कहा कि मैं आपके प्रारब्ध को नहीं मिटाऊंगा, आप अपने प्रारब्ध को भुगतिए जिससे कि आपको फिर से आना ना पड़े। तो भगवान प्रारब्ध हमने, चूंकि उस प्रारब्ध को हमने अर्जित किया है, तो उस प्रारब्ध को भगवान कम करते हैं जरूर,
लेकिन वो चाहते हैं कि हमको ये भी एहसास हो, रियलाइजेशन हो कि हमने क्या किया है और क्यों किया है, और उसको करने से जो फल बन रहा है उसका हमको सचेत रहना चाहिए, उसके प्रति हमारी भावना सदा बनी रहनी चाहिए। तो इसलिए दान देना चाहिए, निश्चित रूप से देना ही चाहिए। दान देने से, जैसे आपने बताया कि यदि भगवान के प्रति दान किया जाता है तो उसका रिटर्न जो होता है उसकी कोई मूल्य ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है, इसलिए कि भगवान जो है भक्ति दान दे देते हैं। और आपने इतने अच्छे अच्छे उदाहरण बताए, तो उस हिसाब से बहुत ही सुंदर रहा और बड़ा आनंद आया आपकी कथा सुन करके। मैं थोड़ा ड्राइव कर रहा था तो कभी कभी बीच बीच में हो जा रहा था, लेकिन अभी मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया हूँ इसलिए मैं रुक गया एक जगह। प्रभु, और एक पॉइंट था, हम लोग दान देते हैं बाद में सोचते हैं कि जिसको दान दिया उसका कैसे उपयोग किया जाएगा, उसका भी नहीं सोचना चाहिए, वो भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं। बिल्कुल, तभी अगर सोचेंगे तो वही समस्या आ जाती है। उसका क्या होगा, वो कैसे उसका कैसे उपयोग करेगा, ये करेगा, वो छोड़ दीजिए, आपके ऊपर नहीं है वो, ऊपर भगवान के भी है। हाँ, भगवान के ऊपर वो बात है, वो और कृष्णा जाने। हाँ बिल्कुल, समझे अपना। और हमारा, जैसे भगवान, हमारे गुरु महाराज बार बार कहते थे कि भगवान ने हमको एजेंट बना के नहीं भेजा है कि जाकर के किसी की भलाई और बुराई का सर्टिफिकेट बनाओ। उन्होंने हमको इसलिए नहीं भेजा है, हमको उन्होंने मुझे अपने बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है कि तुम क्या हो, तुम अपने बारे में समझो, तुम्हारा चरित्र क्या है उसका, उसकी एनालिसिस करो, दूसरे की मत एनालिसिस करो। महाराज जी बार बार इस बात पे जोर दिया करते थे कि अपने को समझो, दूसरे को समझने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा और दूसरे का संबंध जो है वो भगवान से है, वो जाने, उनका हिसाब किताब वो रखेंगे, तुम नहीं रखने वाले, तुम तो अपना रखो, यही बहुत है। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं खाली आपके बात पे ऐड करके यहाँ पे हम खत्म करेंगे। बहुत सुंदर अर्थबंध प्रभु ने आपने बहुत सिंपल रीत से ये प्रस्तुत किया, लेकिन जैसे सरोज प्रभु ने बताया तो मेरे को महाराज जी की बात याद आई। मैंने शायद इसी जूम मीटिंग में कहा था, कभी कहा था याद नहीं आ रहा, लेकिन छोटा का कहा था, लेकिन कुछ लोग नए भी है और महाराज जी की बात रिपीट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बॉम्बे में महाराज जी टैक्सी में प्रवास कर रहा था और आधा के पौने घंटे का प्रवास था, और मैं वो प्रवास में जो टैक्सी ड्राइवर से महाराज बात कर रहे थे, और वो टैक्सी ड्राइवर ने कुछ महाराज जी से अपेक्षा भी नहीं की थी, खाली घर की प्रपंच की बात चल रही थी। और महाराज जी को पता नहीं उसमें उन्हें महाराज ने उनमें क्या देखा, सिंपल व्यक्ति देखा क्या है। और आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग टैक्सी से उतर रहे थे तभी महाराज ने मेरे को कहा कि बैग में से कुछ रकम उस व्यक्ति को दे देना करके। मैं तो हैरान हो गया कि भाई इस व्यक्ति को हम जानते भी नहीं, कभी इतिहास में मिले नहीं, किसने उनके पर रेफरेंस दिया नहीं, खाली आधा पौना घंटे की जो बात है। और मैं तो महाराज जी का आज्ञा का पालन करके हमें वहां से दे दिया और हम लोग निकल गए। तो मैं अभी भी वो याद कर रहा हूँ शाम को कि महाराज ने उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं कि वो व्यक्ति क्या करेगा, कि उसने चीटिंग तो किया नहीं ना, कुछ नहीं मन में आया, उनको लगा कि इस व्यक्ति को कुछ जरूरत है और उन्होंने महाराज ने तो दे दिया और उसके बारे में महाराज ने विचार भी नहीं किया। लेकिन मैं बार बार विचार कर रहा था महाराज ने क्यों दिया, किस लिए दिया, कैसे महाराज ने ढूंढा नहीं व्यक्ति योग्य है कि नहीं है कुछ नहीं। तो सर्वेश्वर प्रभु आपकी बात को यहाँ पे पुष्टि मिल जाती है कि इसी तरह जब हम देते हैं तो उसका विचार ही नहीं करना है किसको दिया, एक बार दे दिया तो कृष्णा काम कर लेगा। दूसरा आपने जो पॉइंट बताया कि हमारा खुद का इन्वेस्टिगेशन हम करना है, वही पूरे लेक्चर में अर्थबंधु ने इसी पॉइंट के पे भी जोर दिया कि भाई दान का अर्थ खाली एक वस्तु की पैसा नहीं है, लेकिन दान में हमारा स्वभाव उसकी भी परीक्षा हो रही है, हमारा बिहेवियर का उसका भी एक परीक्षा होती रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्थबंधु प्रभु और सर्वेश्वर प्रभु, बाकी लोग भी सब सुन रहे हैं, बाकी लोग का भी मैं नेक्स्ट टाइम श्याम सुंदर प्रभु है, श्याम सुंदर प्रभु है, आप लोग भी थोड़ा आपका मत जरूर बताइए नेक्स्ट टाइम हर एक सब्जेक्ट पे, हम 5-1 मिनट ज्यादा ले सकते, कोई चिंता नहीं उसपे। तो भाविक प्रभु, यू कैन एंड हियर नाउ, आर यू हियरिंग भाविक? यस यस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से अर्थबंधु प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने चैरिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में दान, इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण।